दर्पण नमस्कार, स्वागत है आप सभी का प्रातः दर्पण न्यूज में। मैं आपके साथ आकांक्षा शर्मा। दर्शकों, नजर डालते हैं आज कुछ खास खबरों पर। श्री कृष्ण जन्माष्टमी देशभर में हर्षोल्लास के साथ मनाई गई, तो वहीं बच्चों का उत्साह भी जन्माष्टमी पर देखने को मिला, जहां बच्चों ने जन्माष्टमी के पावन पर्व पर राधा और कृष्ण की वेशभूषा पहन सबका मन मोह लिया। नन्हे मुन्ने बच्चे राधा और कृष्ण के गानों पर नृत्य करते हुए भी नजर आए। जो है अलबेला मदनैनो वाला, जिसकी दीवानी ब्रिज की हर वाला, वो किसना है। जो है अलबेला मदनैनो वाला, जिसकी दीवानी ब्रिज की हर वाला। जो है अलबेला मदनैनो वाला, जिसकी दीवानी ब्रिज की हर वाला। मधुबन में भले कान्हा किसी को पीसे मिले, मन में न जले राधा कैसे न जले। जो है अलबेला मदनैनो वाला, जिसकी दीवानी। देश में जन्माष्टमी उत्सव अत्यंत धूमधाम से मनाया गया। कोरोना महामारी के कारण लोगों ने इस साल की जन्माष्टमी अपने घरों में ही हर्षोल्लास के साथ मनाई, तो वहीं नन्हे मुन्ने बच्चे भी राधे कृष्ण की वेशभूषा में नृत्य करते हुए नजर आए। बच्चों की छवि मानो अत्यंत सुंदर और आकर्षक लग रही थी, तो वहीं बच्चों का उत्साह देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो सनातन धर्म की एकता अभी भी बच्चों में है। नन्हे मुन्ने बच्चे श्री कृष्ण के अवतार में सबका मन मोह रहे थे। माथे पर तिलक और मुकुट, हाथ में बांसुरी, गले में माला और श्री कृष्ण की वेशभूषा, ऐसा प्रतीत हो रहा था कि श्री कृष्ण ने धरती पर अवतार लिया हो। तो वहीं श्री कृष्ण जन्माष्टमी उत्सव देश के हर कोने में, हर घर में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया।